जी नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को विदित है, डेली हमारी सुबह 9 बजे राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास होती है और ये क्लास पुराने पेपर्स पर आधारित है। राजस्थान PCS एग्ज़ाम, RPSC ऑल एग्ज़ाम पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी हो रही है, यानी कि पुराने पेपर्स पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी हो रहे हैं। दोस्तों, ये मॉडल पेपर 5वां है। आप सभी से निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो शुरू करें आज की क्लास को, और आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा, आप क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा और आनंद आने वाला है। दोस्तों, आप आज 35 में से कितने सवाल सही करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। आप आज की क्लास कंप्लीट देखने के बाद एक बार शेयर ज़रूर कर लेना। शेयर बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, काफ़ी सारे सोशल साइट आ जाएंगे, जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर 5-7 लोगों को ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? चलिए, टेलीग्राम का लिंक हमारा राजस्थान क्लासेस के नाम से है, यानी @ राजस्थान क्लासेस के नाम से चैनल है। गूगल की वेबसाइट है जहाँ पर फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, ज़रूर विजिट करिए, ठीक है? प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है राजस्थान 360 के नाम से, यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके साहब, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, देखो चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है ऑप्शन में, और लूणी बेसिन है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लूणी बेसिन जो है यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि लूणी बेसिन किसका भाग है, ये पश्चिमी बेसिन कह लो आप, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है मेरे भाई, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लूणी नदी जो है ना, कुल कितने नदियों को समाहित करती है? लूणी नदी देखो कुल ऐसा परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे सूकड़ी है, बांडी है ना, और भी जैसे सूखी बाडी खारी जो जवाई से मिल गई है ना, जवाई है ना, गुड़िया है, इस प्रकार से गुइया है, इस प्रकार से काफ़ी नदियां हैं, लेकिन ये जो लूणी नदी है ना, ये कुल 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ये आपको परफेक्ट याद रखना है, ठीक है? शुरू होती है अजमेर से और जाती कहाँ है, जालौर में, कच्छ के रण में, गुजरात में जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। देखो साहब, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है तो किस साइड होती है? बोले सर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? अभी अभी की ही बात है दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चुरू से किया था। कहाँ से? चुरू जिले से किया था। कौन सा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है क्या होगा? देखो, सांभर जयपुर सही है दोस्तों, डिडवाना नागौर सही है, पचपदरा बाड़मेर सही है, लूणकर्णसर बीकानेर सही है। तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित हैं, है ना? हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सारे के सारे सुमेलित है। राजस्थान की सबसे बड़ी सांभर जो है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसके बाद जैसे डिडवाना भी खारे पानी की झील है, ठीक है, पचपदरा भी खारे पानी की झील है, लूणकर्णसर भी खारे पानी की है, लूणकर्णसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मूँगफली का उत्पादन होता है, सबसे अधिक मूँगफली होती है, ठीक है? और अगला सवाल है, उदयपुर जिले में स्थित वे अभ्यारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा रूठी रानी का महल भी अवस्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर, देखो साहब बात ऐसी है, उदयपुर जिले में स्थित है, तो केवलादेव उदयपुर में नहीं, क्योंकि भरतपुर में है, ठीक है? और ये भी यहाँ पे नहीं है, कुंभलगढ़ भी, तो जयसमंद जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जयसमंद अभ्यारण्य की बात करें तो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसके साथ साथ हम बात करें तो जैसे कुंभलगढ़ कहाँ पे, राजसमंद में है, केवलदेव भरतपुर में है, फुलवारी की नाल आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों फुलवारी की नाल कहाँ पे है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? बताइए, थोड़ा सा सुपरफास्ट कर रहे हैं हम लोग, तो शुष्क सागवान के वन दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपके साथ में बात करूं, बांसवाड़ा है ना, आप सिरोही को भी साथ में ले सकते हैं, और साथ साथ में डूंगरपुर है जैसे, है ना, प्रतापगढ़ है, बहुत सारे जो ज़िले नीचे की ओर जो है। अगला सवाल, एक बार कूट को आपको करना है फिर सही उत्तर देना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड। यस, बहुत बढ़िया,
देखो आपको कौन, इनमें से मैंने आपको कई बार बताया कि आपको सबसे पहले कौन सा आ रहा है। सर मुझे चौथ का बरवाड़ा आ रहा है सवाई माधोपुर में। चलिए ऑप्शन डी में एक आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई देबारी, जो देबारी है ना ये कहाँ पे है। तो देबारी बोले सर, देबारी जो है ना ये देबारी है जो ये उदयपुर में है। चलो देबारी उदयपुर में हो जाएगा, तो देबारी उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर देखो दो तो आने चाहिए, कई बार एक से हल ना निकले तो दो आने ही चाहिए, है ना। तो याद रखना बहुत अच्छा सवाल है, और ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और रामपुरा राजपुरा जो दरीबा है ना, राजपुरा दरीबा, कई बार मैंने आपको बताया राजपुरा राजसमंद, रामपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों, याद रखना, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तीजो कुरियो आठवो काल यह कावत राजस्थान की किस विपत्ति को सूचित करती है, यानी इन्फॉर्म करती है ना, इंगित करती है, ऐसा हम समझ लो। तीजो कुरियो आठो काल, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया दोस्तों। अब मैं आपको हर एक जो है ना नहीं बता पा रहा हूँ कि भाई कौन से में कहाँ है, यहाँ पे ऐड नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अकाल से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन फोर है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है बताइए। अब इससे आसान क्या हो सकता है मुझे ये बताओ, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है, बोले सर रावतभाटा में है, बहुत बढ़िया दोस्तों, रावतभाटा को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी। और अगला सवाल है, राज्य के वे दो कौन से जिले जो राज्य का 75% अभ्र का उत्पादन करते हैं। देखो साहब अभ्र की ईंटें तक निकलती है यहाँ पे, तो भीलवाड़ा है एक तो, ठीक है, और अब उदयपुर ऑप्शन करेंगे या जयपुर, आप ये बताओ। सर उदयपुर को करेंगे, एक साथ यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं आप लोग, अजमेर को भी, ठीक है, अजमेर को भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, अभ्र का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, पाँच सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर जो है ना वो क्या होगा। पांच सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस, तो नोह से। अब देखो नोह कहाँ पर है, नोह बोले सर भरतपुर में है, ठीक है साहब, भरतपुर में, याद रखना। आहड़ कहाँ पे है सर, आहड़ जो है ना आपके, देखो आहड़ से संबंधित अक्ष कीर्ति व्यास है, इन्होंने खोज करी थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने खुदाई करवाई थी। आहड़ जो है ना आपके उदयपुर में स्थित है, आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, सीकर में है, गणेश्वर कहाँ पे, सीकर में है। कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा आपके हैं हनुमानगढ़ में, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है कालीबंगा जो कि गग्गर के किनारे है, गणेश्वर जो कि कांतली के किनारे हैं, ये सारी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है कि देखो कि राजस्थान में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा कौन सी है। राजस्थान से कुल स्रोतों की उपलब्धता से जल की मात्रा 1.16% है, यानी ऑप्शन फोर है जो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को क्या कहा जाता था। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, इस पर ईंट या फिर पत्थर लगा दिए चुके हैं इस प्रथा पर, है ना, डावरिया, डावरिया या फिर डावरिया कहलाया जाता था। तो आपको एक बात और भी है ना कि कई बार मैंने आपको ये भी बताया कि जब कोष्ठक हो ना तो आपका वही सही होता है, जब कोष्ठक हो तो वही सही होता है, यहाँ पे कोष्ठक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मूर्तिकला से संबंधित है। कौन सा, रूप मंडन का संबंध, ठीक है, तो हर एक का संबंध अलग अलग से है, वास्तुकला, चित्रकला, राजप्रसाद, है ना, तो यहाँ पे आपका मूर्तिकला होगा, ऑप्शन बी को आपने करेक्ट करा। और मंडन जो था ना दोस्तों ये कुंभा का शिल्पी था, है ना, कुंभा का शिल्पी भी था तो कवि भी था, याद रखना, है ना, कुंभा के समय थे। और अगला सवाल है, 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई केंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से स्थान पर की थी, तो दोस्तों देखो यहाँ पे सन दिया है आपको 1919, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कई बार हर एग्जाम में लगभग, वर्धा में की गई थी 1919 में की गई थी। अब यहाँ से मैं एक और बात बताऊँ आपको, तो याद रखना है कि अजमेर में स्थानांतरित की गई थी इसको, वो कब की गई थी, बोले सर 1920 में इसको स्थानांतरित करी गई थी, यस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो साहब, माणिकलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत लिखा था या नहीं, है ना,
पंडित हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः बिल्कुल लिखा था दोस्तों, ये सही बात है। केशव सिंह भारत चेतावनी चौंटिया लिखा था, जयनारायण व्यास दैनिक नवज्योति क्या लिखा था, नहीं सर माणिकलाल वर्मा ने पंचशीला बिल्कुल लिखा था, जयनारायण व्यास ने दैनिक नवज्योति नहीं लिखा था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे लिखे थे, जैसे पोपा बाई रिपोल इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो और एक और लिखा था, आगी बाण ये भी लिखा था जयनारायण व्यास ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, हालांकि दैनिक नवज्योति की बात करें तो इसकी शुरुआत अजमेर से हुई थी, याद रखना दोस्तों। पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला और प्रथम व्यक्तित्व जो थी ना, वो कौन थी? बोले सर जानकी देवी बजाज थी, है ना। ये जमुना लाल बजाज की पत्नी याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ से बिलोंग करते थे? बोले सर नीम का ताना सीकर से बिलोंग करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल है सर, हाँ जी, नगेंद्र बाला जो है ना ये कोटा से थे। अगला सवाल है कि जमुना लाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? दोस्तों चरखा संघ ये गांधी जी से जुड़े हुए थे। देखो गांधी जी के इनको पांचवें पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। इनका पूरा परिवार जो है इस क्रांति में लग गया था दोस्तों, यानी आज़ादी की क्रांति में। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। जयपुर में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, ये आपको बताना है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत, कहाँ देखने को मिलता है आपको, बताओ साहब। कितना शानदार सवाल है। और अठे अपने मारवाड़ी जकी बोले, यानी ओकट बोले आ तो अपने अठी जय जको जोधपुर, मैंने बोले जैसे जोधपुर हो गयो, है ना। मैं अठे थोड़ा वास्ते लिख दूँ, देखो साहब मैं बोलूँ ही हमें मारवाड़ी जूँ तो जोधपुर है, जैसे जैसलमेर है नहीं बाड़मेर है, यूँ देखो तो सब। और थोड़ी थोड़ी भिन्नता तो आवे ही ला थोड़े वास्ते, है नहीं आप अटान देखो ला जने ध्यान पड़ी थोने, पर भिन्नता आवे फिर भी इन सम्मिलित रूप जको यानी वो मारवाड़ी ही कहलावे, ठीक है। बाकी अटे और भी आप ऐड कर लो, नहीं जालोर ने ऐड करो सा, है नहीं सर, और सिरोही ने ऐड करो सा, सिरोही तो आप भूल ही गया बिल्कुल, सिरोही भी आप वास्ते अटे हाथे आवे ने, है नहीं मारवाड़ी रे, ठीक है सर। बीकानेर, हाँ बीकानेर भी हाथे है, यूँ चलो सा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, छोखी बात है सर, है नहीं। आप सही आंसर जोधपुर और सीमावर्ती क्षेत्र। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ दोस्तों बताइए क्या होगा? देखो वेली कृष्ण रुक्मणी रीतो लिखाई, देखो पहले तो आपको ये बता होना चाहिए कि पीथल कहाँ किसे गया है। तो पीथल जो है ना ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है पीथल दोस्तों, याद रखना पीथल, है ना, पीथल इनको कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। और राठौड़ जो थे ना ये किसके, राय सिंह के भाई थे, लूणकर्ण के पुत्र थे, सॉरी कल्याणमल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा एक और दो, गंगा लेरी भी इन्होंने डिंगल में लिखा था और वेली कृष्ण रुक्मणी री इन्होंने डिंगल में लिखा था, ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी री। अगला सवाल, गोगा नवमी किसे कहा जाता है? गोगा नवमी यानी कब मनाया जाता है, आपसे ऐसा ही सवाल किया जा रहा है। तो गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है साहब। कहाँ पे मुख्य रूप से? देखो हर घर घर में, यानी हर खे, अब कहते हैं ना खेजड़ी खेजड़ी गोगा, खेजड़ी खेजड़ी गोगा, तो हर खेजड़ी मतलब हर घर में हर गांव में ये इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, इनका मेला आयोजित होता है। कहाँ पे मेला आयोजित होता है? नोहर में इनका मेला आयोजित होता है, राजस्थान का, जो कि मतलब गोगा जी के नाम से जो मेला आयोजित होता है ना सबसे बड़ा, वो नोहर में ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे ना सर? पक्का, यस, बहुत बढ़िया। रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेसी अपने प्रदेशी पति को घर बुलाती है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा पिंपली, ऑप्शन सी जो है। देखो कहीं पे मैंने अगर गलती से कुछ अलग लिख दिया है ना, बी सी या डी, जो अगर हो रहा है सी और मैं डी लिख रहा हूँ तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप यकीन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है लॉक हो जाएगा दोस्तों। इंडोनी जो है ना ये काल बेलियाओं का नृत्य है, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुपना जो है ना ये लोकगीत, ये भी दोस्तों विरह गीत है एक, ठीक है, जोरावा भी एक विरह गीत ही है। गोगा जी का जन्म स्थान, 23 का राइट आंसर क्या होगा?
गोगा जी का जन्म स्थान दोस्तों बताइए। नंबर 23 का राइट आंसर आप सभी का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए, गोगा जी का ददरेवा चुरू है ना, ददरेवा चुरू हो जाएगा, ददरेवा चुरू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ददरेवा चुरू में है। और बाकी गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनका इनकी समाधि है, ठीक है। अगला सवाल, मंदिर भी है। अगला सवाल और पूछा जा रहा है, निम्न को सुमेलित करना है आपको, डाडी मांगणियार लंगा मिराची, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करें क्या, संबंधित वाद्य यंत्र और जाति, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, डाढ़ी मांगणियार लंगा मिराची, देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, कैसे बोले सर। हाँ तो देखो, डाढ़ी जो है ना ये सारंगी और रबाब का यूज़ करते हैं, मांगणियार आपको पता होगा कमायचा खड़ताल और सुनाई का यूज़ करते हैं, लंगा जो लोग हैं ना ये कमायचा और सारंगी, सिर्फ कमायचा और सारंगी का यूज़ करते हैं। मिराची, मिराची तो सर सारंगी का यूज़ करते हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला सवाल है चंद, देखो चंद मलयागिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्याल है, और ये कथाएं भी है और वास्तव में ये व्यक्तित्व भी हुए थे, है ना, इनका जीवन काल कुछ चमत्कारिक हुआ था, कुछ यादगार हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुचा मनी ख्याल दोस्तों, क्या होगा, कुचा मनी ख्याल आपका राइट आंसर होगा। कुचा मनी ख्याल की बात करें तो लच्छी राम इसके प्रवर्तक हुए। अगला सवाल है कि निम्न को सुमेलित करना है, नृत्य है, आयोजन अवसर है दोस्तों बताइए। लूम्बर, देखो लूर को लूम्बर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जो किसकी है, ग्रासियों की, ग्रासिया जाति की, जो ग्रासिया जाति का नृत्य है याद रखना, जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर लूर जो है होली के अवसर पर, तो पहले में दो आ जाएगा, सॉरी लूर गौरी, देखो गौरी जो है ना, देखिए एक बार पुनः देखते हैं वापस, देखो लूर नृत्य की बात करें तो देखो लूर नृत्य जो है दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है ग्रासियों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कहाँ पे आ रहा है, दो ऑप्शन थ्री में आ रहा है, तो यहाँ पे यही आपका सही है। बाकी देखो गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य आपके विवाह, सॉरी मांडलिया की बात करते हैं पहले, मांडलिया नृत्य जो है विवाह के कुछ पूर्व में किया जाता है, ठीक है। और बिंदोरी नृत्य की बात करें तो हाँ ठीक है, बिंदोरी की बात करें तो बारात की विदाई के समय, और गौरी की बात करें तो वर्षा ऋतु हो ही जाएगा क्योंकि ये सावन भादो मास में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन थ्री होगा, ऑप्शन सी होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सुमेलित करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको याद कौन सा है सबसे पहले तो वो देखो, अगर एक है तो एक से काम बन जाए क्या पता, अगर दो आए तो फिर दो से तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो बताओ देखो राइट आंसर क्या होगा, केला देवी, रानी सती, देखो रानी सती अगर आपको पता है कि भाद्रपद महीने में इनका मेला आयोजित होता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे ऑप्शन ए ही है जो सही होगा, ठीक है। कैसे देखो कि केला देवी की बात करें, केला देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी आपका सही आंसर है, रानी सती है जो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या हो जाएगा, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता माघ शुक्ल सप्तमी होगा, और शीतला माता जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, ये बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत क्या है, नाथ संप्रदाय की बात करें माँ मंदिर में सही है ना, माँ मंदिर जोधपुर में सही है, जिसके निर्माण की बात करें मान सिंह के समय इनका निर्माण हुआ था इसका, ठीक है। आई एस देवनाथ जो यहाँ पे मुख्य संत हुए थे। लालदास संप्रदाय नगला भरतपुर में है, सही बात है दोस्तों। रामानुज संप्रदाय गलता जी, इनमें से कोई नहीं, असंगत कोई है ही नहीं दोस्तों, क्या सही बात है ना, यस असंगत कोई है ही नहीं है इसमें। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है, देखो बोर है, बिंदिया है, टिडी भलको है, गलपटियो है, छूप है, कडला है, नथ है, क्या सही है,
नो। नथ आ जाती है कहाँ पे दोस्तों? नथ तो नाक में आती है, तो कड़ला, कड़ला पैरों में आता है ना। तो बोर है टिडी बल को है, फिर से बोर टिडी बल को, ये सिर के है आभूषण, बिंदिया भी जैसे ललाट के आभूषण है, नथ है ना नाक का है, छूप दांत का है, गलपटियों गले का है, और कड़ला हाथ पैरों का है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही होगा, भले आप आगे चले जाओ है ना। छूप से बाद में गलपटिया आएगा नहीं, ये गलत है। यहाँ पे भी बोर, बिंदिया, नथ, टिडी भल को, छूप, गलपटिया, कड़ला, छूप है जो गलपटिया से पहले आएगा नहीं, ये दोनों इस प्रकार से गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है वो है मोलेला गांव। दोस्तों यहाँ की मिट्टी बड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर टेराकोटा बनाए जाने के लिए मिट्टी प्रसिद्ध है, टेराकोटा यहाँ का पॉपुलर है, याद रखना राजसमंद के मोलेला गांव का। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मैंने क्या बताया था आपको, निषेधित किस रियासत ने किया था? तो दोस्तों आपने उस दिन पढ़ा था बीकानेर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जयसिंह होगा, ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रयास किया था, बूंदी ने भी प्रयास किया लेकिन निषेधित कर दिया था बीकानेर ने बिल्कुल भी। राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, बताइए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नागौर, क्या होगा, नागौर को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या पूछने की बात ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, जयपुर में है, यस नो, उसके बाद जोधपुर का नंबर रहता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं ना वो आपकी स्क्रीन पर है, सामने है सारे के सारे। अगला सवाल नंबर 34, और ये जो है ना दोस्तों समितियाँ, ये समितियाँ आपके लिए थोड़ी हार्ड बनती है कई बार एग्जाम में। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति और वी एन गाडगिल समिति, कब क्या बनी थी बताओ साहब। देखो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, सही बात है। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, सही बात है। एल एम सिंघवी समिति 1986 में बनी थी और गाडगिल समिति 89 में बनी। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा करेक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अब आप दोस्तों ये बताएं कि आपने यहाँ पे कितने सवाल सही किए हैं, अगर आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े हुए हैं तो। और बाकी मैंने आपको क्या बताया कि प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करना, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है, पेड पीडीएफ भी दी जा रही है, जो आपको बेस्ट लगे वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, और शेयर ज़रूर कर देना है ना। ऑल दी बेस्ट।